हेलो स्पीरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 1 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है कि रिसेंटली किसी क्रिकेटर ने अनाउंस की है अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। रिटायरमेंट समझते हैं कि अगर कोई क्रिकेटर रिटायरमेंट लेता है अगर इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, तो वो क्रिकेट नहीं खेलेगा जो इंटरनेशनल लेवल का होता है ना, या फिर ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से लेता है तो वो क्रिकेट खेलेगा नहीं। रिटायरमेंट समझते हैं जैसे सरकारी नौकरी में होती है ना, रिटायरमेंट घर पर बैठ जाते हैं, उस तरह से होता है। क्योंकि मुझे कमेंट आया था मैम रिटायरमेंट क्रिकेटर मतलब, तो आई होप आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ये चीज़ सुनी, ठीक है। सो पॉइंट हमारा है दैट क्रिकेटर मुरली विजय अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। अब देखिए, रिसेंटली हमने बहुत सारे, हमने बैडमिंटन प्लेयर्स का भी पढ़ा है, हमने एक टेनिस प्लेयर का पढ़ा है, हमने क्रिकेटर्स का तो चलता ही रहता है। तो ये भी जो रिटायरमेंट लेते हैं ना, इन सबको आप एक पेज पे कहीं पे साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट। सो मुरली विजय रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट याद रखना है, राइट। सेकेंड न्यूज़ पढ़ते हैं, द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 स्टार्टेड एट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का एडिशन, 5th एडिशन स्टार्ट हो गया है, कहाँ पे? भोपाल में। अब आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मैम ये तो पुरानी न्यूज़ है। देखिए पुरानी न्यूज़ है ये न्यूज़, जब से अनाउंसमेंट हुई ना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 एमपी में होगा, तब से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। अब ये स्टार्ट हो चुकी है तो हम इसलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी नई चीज़ आती है बीच में हम तम पढ़ते हैं, तो ये चलता रहता है, ठीक है। कोई पुरानी न्यूज़ नहीं है, ये भी स्टार्ट हुई है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं आप लोग, ठीक है। तो 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का भोपाल में स्टार्ट हुआ है। नाउ ये जो इवेंट है ये एमपी की 8 डिफरेंट मतलब अलग अलग जगह पे होगा, अलग अलग सिटीज़ में होगा, तो आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे इतना डेप्थ में क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि 8 सिटीज़ का नाम याद करना टफ है। वहाँ के लोकल लोगों के लिए फिर ठीक है, बाकियों के लिए थोड़ा सा है खतरनाक सा, ठीक है। चलिए, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मांडला, बालाघाट एंड महेश्वर, इन 8 सिटीज़ में होंगे, मतलब डिफरेंट इवेंट्स अलग अलग जगह होंगे, ठीक है। मैस्कट क्या रहा इसका? आशा। टॉर्च क्या रही? अमरकंटक। थीम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज़ पढ़ते हैं। सो एक्सचेंज दैट बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज, दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बन गई है। कौन बनी है? एनएससी। एनएससी माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर मतलब चौथी बार लगातार ये दुनिया की लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बनी है। ये एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ ना, तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है, मुझे थोड़ा टाइम का इशू रह रहा है, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ कंटिन्यूसली। मेरा टारगेट था कि मैं जैन तक कंप्लीट कर लूँ, बट हो नहीं पाया। तो मेरी कोशिश है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ताकि हम आगे जो है फिर मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें, ठीक है। तो बस वहाँ पर हम बीएससी और एनएससी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, आप देख के समझ गए होंगे, इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय। इंडिया में पहली जो है मॉडल G20 समिट हो रही है, अमिताभ कांत जी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हो कहाँ पे रही है? मुंबई में। अब हमें फिर से पढ़ना है, जितनी बार ये क्वेश्चन आएगा ना मैं हर बार ये यहाँ पे डाल दूंगी, कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो आप इस बॉक्स को तो ज़रूर ही अपनी कॉपी पे लिखें, स्क्रीनशॉट लेके काम नहीं चलेगा, कॉपी पे लिखें, ठीक है। चलिए, है क्या? G20 है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 कंट्रीज है और एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज इटसेल्फ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, तो टोटल G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। नाउ अब G20 की प्रेसिडेंटशिप कह लीजिए, लीडरशिप कह लीजिए, चेयरमैनशिप कह लीजिए, वो आई है इंडिया के पास 1 दिसंबर 2022 से। तो उसके बाद से जितनी भी मीटिंग्स हैं G20 की, वो अगले एक साल तक होंगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। इसलिए हमारे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लस जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मॉडल G20 समिट हुई मुंबई में, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट मीटिंग हैदराबाद, यूथ 20 गुवाहाटी, अभी सारे क्या है, स्टार्टअप 20, यूथ 20, G20 के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। G20 एनवायरमेंट मीटिंग बेंगलुरु, B20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर गुजरात, थिंक 20 भोपाल, S20 एंगेजमेंट मीटिंग हैदराबाद, G20 एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग बेंगलुरु, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़। इसी के साथ हम एक और मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में,
जहाँ जहाँ से मुझे कंटेंट मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर सकूँ अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कौन बना है। कॉरपोरेशन समझते हैं, एक कंपनी टाइप है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं निखित जरीन, जो कौन है, बॉक्सर है, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली एक मेडल जीता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे करंट अफेयर्स में। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जमुना। हुआ जमुना पास्ट अवे रिसेंटली, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। वेटरन फिल्म एक्ट्रेस, वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म एक्ट्रेस थी, कर्नाटका से थी। तो ये जो डेथ वाले क्वेश्चन हैं ना, इनको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा कि बकवास क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब एग्जाम में आते हैं ना फिर पता चलता है एक एक नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। बस सेवन्थ पॉइंट है मोटर कंपनी दैट हैज़ अनाउंस्ड टू यूज़ काउ डंग टू पावर इट्स CNG कार्स। कौन सी ऐसी मोटर कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि वो काउ डंग का यूज़ करेंगे CNG कार्स, समझते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस जो चली है ना, इलेक्ट्रिक कार्स, CNG कार्स, उनको बनाने में। सो काउडंग क्या होता है आप समझते हैं, जैसे ये पशु होते हैं गोबर करते हैं, गोबर के उपले वगैरह बनते हैं, तो उन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कौन सी मोटर कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की है, ये की है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने, ठीक है। एट्थ पॉइंट हमारा है, देखिए सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इंपॉर्टेंस सबकी अपनी अपनी है ना। चलिए एट्थ पॉइंट है रिसेंटली द फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स हैज़ बीन स्टार्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ। रिसेंटली जो है माइग्रेंट समझते हैं जो किसी और जगह से हमारी जगह पे या किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाते हैं, तो उस दूसरी जगह में रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बांग्लादेश से कोई आके यहाँ पे सेटल हुआ, ठीक है, इंडिया में, तो इंडियंस उन्हें माइग्रेंट्स कहेंगे, हम लोकल हैं तो हमें इंडियंस कहा जाता है, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो रिसेंटली सर्वे हुआ है कि कितने माइग्रेंट्स हैं हमारी स्टेट में, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कौन से स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट करवा रही है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं करवा रही, तो झारखंड गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है, पहली बार सर्वे हो रहा है इस तरह का इंडिया में माइग्रेंट्स का। तो इन कौन से इंडियन स्टेट कंडक्ट करवा रही है, झारखंड याद रखना है। टू, क्रिएट अ रोबस्ट डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट्स एंड माइग्रेशन पैटर्न्स इन द स्टेट, कि एटलीस्ट हमें पता तो चले कि कितने माइग्रेंट्स, एक हल्का सा आइडिया हो जाए, प्लस माइग्रेशन पैटर्न्स किस तरह से माइग्रेशन हो रहा है उसका हल्का सा आइडिया जानने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आज के 9th न्यूज़ पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का 9th पॉइंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ICC अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 वन बाय। ICC का अंडर 19 वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। हुआ कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, हज़ारों बार बताया अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में है, बट इट इज़ नॉट द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, इट इज़ द कंट्री सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। बहुत बार मैं समझाती हूँ, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ इंडिया कैप्टन फॉर अंडर 19 वुमेंस T20 कौन था, इंडिया का कैप्टन शिफाली वर्मा, ओके। आगे चलते हैं, आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं। तो बस इसी के बारे में मैं आपसे पिछले वेश पे बात कर रही थी कि एक और G20 का आएगा जिक्र, है ना। तो यहाँ पे है 10th पॉइंट हमारा, इसको भी आप उसी बॉक्स में ऐड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर कोई और मीटिंग होती है मैं सारे पॉइंट्स प्लस इसको उसमें ऐड करके फिर से एक बॉक्स बनाऊंगी ताकि आप बार बार रिविजन हो सके, है ना। सो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई है, जोधपुर राजस्थान में हुई है। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग एम्प्लॉयमेंट जोधपुर राजस्थान, याद रखना है। नाउ 11th पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैंड ओवर 1000 मॉन्यूमेंट्स टू द प्राइवेट सेक्टर अंडर मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया में जो 1000 मॉन्यूमेंट्स हैं अलग अलग जगह पे किए होंगे सिलेक्ट, टोटल 1000, उनको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देगी ताकि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा पैसा वगैरह लगा के थोड़ी मॉडिफिकेशन करके उसको मतलब प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रख सके हमारा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको। तो कौन सी स्कीम के अंडर ये किया जाएगा, क्वेश्चन आपका ये है, ये किया जाएगा मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम के अंडर। अब देखिए अगर आप इस पेज पे एक एक क्वेश्चन देखेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन का अपना सिग्निफिकेंस है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीटिंग वाला इंपॉर्टेंट है, ये अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, माइग्रेंट्स का पहली बार सर्वे हो रहा है इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी जो है मोटर कंपनी काउडंग के थ्रू को यूज़ करेगी CNG कार्स में ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एक वेटरन फिल्म एक्ट्रेस की डेथ हुई है वो इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन का अपना सिग्निफिकेंस है। धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करते चलेंगे ना, अपनी इस कड़ी में आगे चलते चलेंगे, आपको सिग्निफिकेंस हर एक चीज़ का पता चलता रहेगा। बस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिस भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं उन पर एक नज़र रखें, ठीक है।
चलिए तो हमारा सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपेयर हो जाएगा एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट पेज की तरफ। आज का 12th पॉइंट है GDP ग्रोथ फॉरकास्ट। देखिए, अलग अलग कंपनीज हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी अपनी जो है स्टडी करके कंट्री की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसके लिए अपना अपना फोरकास्ट बता रही है GDP कितना रहेगा इंडिया में 2023 के लिए। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ये UN से रिलेटेड था कि UN ने पहले आई थिंक 6 बताया था, तो उन्होंने रिड्यूस करके 5.8% कर दिया है फॉर ये सारे जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 के हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअली है क्या ना, कुछ ने फाइनेंशियल 2024 के लिए भी दे दिया है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी कंप्लीट होने वाला है हमारा ईयर, तो अभी का हमने देखना है। ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP ग्रोथ फॉरकास्ट बताए हैं सब ने, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब मुझे जहां भी जो पॉइंट मिलता है एक, फिर उस पर सर्च करके मैं सारे के सारे इकट्ठे करके लिख देती हूँ ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। इसको भी अपने इस कॉपी के, जो भी आपने करंट अफेयर की कॉपी लगाई उसमें स्टार्टिंग में ना 6-7 पेज आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, उसके बाद से अपने करंट अफेयर्स लिखने स्टार्ट करने हैं, तो उसमें एक कॉर्नर बनाइए, वहां पे इनको लिखिए। ठीक है, यहाँ बीच में करंट अफेयर्स के बीच में नहीं लिखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंडिया का GDP प्रिडिक्ट किया है 5.8%। ये आपको रटने पड़ेंगे यहां से क्योंकि क्वेश्चन आता है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, बस रटने पड़ेंगे क्योंकि मार्क्स चाहिए तो देखिए करना तो पड़ेगा। अब इसमें समझना क्या है, यूनाइटेड नेशंस का पूरी हिस्ट्री हमें पता है, कब बना, कौन बना, क्या है, सब पता है, लेकिन उससे इसका क्या रिलेशनशिप है ना, याद ही करना पड़ेगा। सो UN ने कहा है 5.8%, वर्ल्ड बैंक 6.9%, मूडीज, S&P 7%, IMF 6.8%, ADB 7%, RBI 6.8%। ठीक है, याद रखना। इसी के साथ एक चीज़ और, आप मुझे बताएं अब कि आप टॉपिक ऑफ द डे में किस तरह के कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी ना वो मैंने करा दी हैं, अब अगर मैं फालतू फालतू जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कराऊं तो फिर क्या रेलिवेंस रहेगा। तो आप मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं जो आपके दिमाग में है, अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूँ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद फिर जो बाकी हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है बट पढ़ने तो पड़ेंगे तो उनको कवर करूँ। ठीक है, चलिए 13th पॉइंट आज का है मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का टाइटल कौन जीता है, नोवाक जोकोविक, वुमेन्स में एरिना सेवलेंका। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसमें भी कुछ याद नहीं करना, ध्यान रखना है बस। नाउ 14th पॉइंट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज ऑर्गेनाइज द खादी फेस्ट 2023 इन विच सिटी और स्टेट और वट एवर। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है KVIC, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक फेस्ट, खादी फेस्ट 2023 महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई सिटी में, जो KVIC का हेडक्वार्टर्स है अपने हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज का 15th पॉइंट पढ़ते हैं, कंट्री हु इज बिल्डिंग अ न्यू डैम ऑन मब्जा जांगबो रिवर नियर बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया। ऐसी कौन सी, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा मैंने कम है बट थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको। कंट्री जिसने जो न्यू डैम बना रही है किसके ऊपर, मब्जा जांगबो रिवर के ऊपर। एक्चुअल में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, फिर जो से अपने अपने ऊपर ऊपर जगह जाती रहती है ये, तो बिस्वेर में तो वहाँ अलग अलग नाम है, वैसे मैंने पढ़ाया भी है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, बट ये कोई लोकल नाम होगा तो वहाँ नहीं मेंशन था इसका। सो ब्रह्मपुत्रा रिवर ये उसकी कोई ट्रिब्यूटरी आगे कोई पार्ट होगा चाइना वाली साइड को, तो इसके ऊपर जो कौन सी कंट्री है जो डैम बना रही है वो है चाइना, इंडिया, नेपाल और अपने बॉर्डर पे तिब्बत के बॉर्डर पे। नाउ ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली है, सैटेलाइट से कुछ इमेजेस आई हैं तो वहाँ से पता लगा है, अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। 2021 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है या होने वाला है या हो रही है कंस्ट्रक्शन अभी, तो इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है इंडिया पे, क्योंकि डैम से होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वाटर से, तो यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है या यहाँ के वाटर के ऊपर भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो वो जो भी रहेगा कुछ बड़ा होता है तो न्यूज़ में पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से खतरा हो सकता है इंडिया के लिए, इंडिया को आइडिया ही नहीं था इस चीज का, ये थी न्यूज। ठीक है, सो आज का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक डे की बात की जाएगी कि अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है डे, क्योंकि मैंने खुद पहली बार ये डे पढ़ा, कई बार उतने कुछ लेस सिग्निफिकेंट होते हैं तो अब ये थोड़ा वैसा है, लेकिन अब मेंशन है, इसका थीम भी बताया गया, क्योंकि थीम इसका कई बार होता है ना, थीम्स नहीं आते हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, पर इसमें थीम का जिक्र है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 30 जनवरी को मनाया जाता है, थीम क्या रहा इस साल का,
एक्ट नाउ, एक्ट टुगेदर, इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. नेग्लेक्टेड मतलब जिनको हम मानते हैं कि वो ऐसे कोई खास बीमारी नहीं है लेकिन बहुत इफेक्ट करती है और ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगी. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एनटीडी क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या है. डाइवर्स ग्रुप ऑफ 20 कंडीशंस दैट आर मेनली प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज. 20 कंडीशंस का एक ग्रुप है, ठीक है, बीमारियों का मतलब. तो वो जो है मेनली ट्रॉपिकल एरियाज. ट्रॉपिकल एरियाज क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन एरियाज में जो है ये बीमारियां मिलती हैं, ठीक है. तो बस उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट. आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है. जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे. प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अब आप अपने करंट अफेयर्स पे, अपने हिंदू एडिटोरियल पे, न्यूज़पेपर पे और अपने जीएस के सब्जेक्ट्स पे फोकस करें. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. कोशिश करूंगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो. तो चलिए आज के लिए इतना ही. सो सी यू सून.